इसराइल और हमास के बीच जंग में पूरा मिडिल ईस्ट बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है। ये वॉर एक नई जंग को जन्म दे सकती है जो कि वर्ल्ड वॉर जितनी भयानक हो सकती है। 9 महीने से जारी इस युद्ध में हर दिन कुछ नया और भयावह देखने को मिलता है। इजरायली सेना की भीषण कार्रवाई ने हमास को दहला कर रख दिया है, लेकिन उसके साथ ही हमास के प्रतिरोधी गुटों के हमलों से इजरायली फौज भी दहल रही है। 7 अक्टूबर को इसराइल पर हमास के हमले के बाद से ये जंग रुकी नहीं, बल्कि हर दिन तेज हुई है। एक तरफ इसराइल चुन चुन कर हमास के लीडर्स और कमांडर्स को मार रहा है, वहीं दूसरी तरफ यमन के हूती और हिजबुल्ला इजरायली सेना को आए दिन झका रहे हैं और अपने घातक रॉकेट, मिसाइल और ड्रोन हमलों से इजरायली बलों को दहला रहे हैं। फिलिस्तीनी प्रतिरोध ने गाजा पट्टी में इजरायली कब्जे वाली सेना के खिलाफ लड़ाई और घात लगाकर हमले करना जारी रखा है। मौजूदा समय में गाजा से लगा दक्षिणी शहर खान यूनिस जंग का मैदान बना हुआ है। यहां हमास के अलकसम ब्रिगेड ने इजरायली बलों की नाक में दम कर दिया है। फिलिस्तीनी प्रतिरोध सेनानियों ने गाजा पट्टी में इजरायली कब्जे वाले बलों द्वारा कब्जा किए गए ठिकानों पर हमला किया। हमास के अलकसम ब्रिगेड ने बताया कि खतरनाक ऑपरेशन में उसके लड़ाकों ने नेटजरिम एक्सिस में इजरायली फील्ड कमांड और कंट्रोल सेंटर पर एक स्थानीय रूप से निर्मित वन वे अटैक ड्रोन अलजोरी को लॉन्च किया, जो उत्तरी गाजा पट्टी को घेरे हुए क्षेत्र के बाकी हिस्सों से अलग करता है। अलकसम ब्रिगेड ने बताया कि यह हमला शाम के 7:30 बजे हुआ, जिसमें पहले ऑपरेशन में अलकसम सेनानियों ने 2 इजरायली मरकवा टैंकों पर 2 टेंडम रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड दागे। वहीं दूसरे ऑपरेशन में अलकसम सैपर यूनिट ने उसी क्षेत्र में एक सुरंग के प्रवेश द्वार पर बम लगाया और बाद में उसे उड़ा दिया, जिसका लक्ष्य घात लगाने वाले स्थान पर पहुंचे इजरायली बल थे। इस दौरान एक इजरायली सैनिक की मौत भी हुई है। दरअसल इन ऑपरेशनों और बुधवार को किए गए अन्य ऑपरेशनों को लेकर इजरायली सैन्य कमान ने कहा कि 401वीं आर्म ब्रिगेड की 46वीं बटालियन ने एक सैनिक की दक्षिणी गाजा पट्टी में मौत हो गई, जब उसके बख्तरबंद वाहन को एंटी टैंक शेल से निशाना बनाया गया। फिलिस्तीनी प्रतिरोध गुटों ने नेटजरिम एक्सिस पर अपना फोकस किया है, क्योंकि अलकुत्स ब्रिगेड और पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ फिलिस्तीन के अबू अली मुस्तफा ब्रिगेड ने रणनीति क्षेत्र पर हमलों की घोषणा की है, ताकि इसराइल को कमजोर किया जा सके। और इसी कड़ी में पीएफएलपी की सैन्य शाखा और अल अंसार ब्रिगेड ने इजरायली कब्जा वाली सेना के कमांड और कंट्रोल सेंटर पर संयुक्त मोर्टार से हमला किया। इस हमले के दौरान पीआईजे की सैन्य शाखा ने बताया कि उसके लड़ाकों ने भी उन्हीं कमांड और कंट्रोल रूम पर बड़े कैलिबर के मोर्टार गोले दागे हैं। वहीं डेमोक्रेटिक फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ फिलिस्तीन के नेशनल रेजिस्टेंस ब्रिगेड ने मोर्टार गोले दागे। इस बार मध्य गाजा पट्टी में डेर अलबला के पूर्व में तैनात इजरायली कब्जे वाली सेना को निशाना बनाया गया। ये जंग अब अपने चरम पर आ गई है, क्योंकि जैसे जैसे आईडीएफ आगे बढ़ रही है, उसे हमास और प्रतिरोधी गुटों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही पीछे गाजा के जिन इलाकों पर आईडीएफ ने कब्जा किया था, वहां भी हमास के लड़ाकों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि सैनिक की मौत के साथ ही गाजा पट्टी में जमीनी आक्रमण शुरू होने के बाद से मारे गए सैनिकों की कुल संख्या 336 हो गई है और 7 अक्टूबर 2023 से मारे गए इजरायली सैनिकों की कुल संख्या 695 हो गई है।